बड़ी खबर है, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और सभी के बंद कर दिए। आचार संहिता के तहत प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो रही है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। तो बिहार में शिक्षक भर्ती नियम में बदलाव के खिलाफ अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर आए हैं। शिक्षक अभ्यर्थी देखिए गांधी मैदान इलाके में कूच कर रहे हैं। तो ये नीतीश सरकार के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैसे यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा जा रहा है, लाठियां बांधी जा रही हैं। देखिए हालात किस कदर बेकाबू हो चले हैं। गांधी मैदान का इलाका बिस्कोमान भवन के ठीक सामने पहुंचे हैं अभ्यर्थी और शिक्षक, और जोरदार तरीके से हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे हैं अभ्यर्थी और शिक्षकों का ये प्रदर्शन देखिए। यहाँ पर गांधी मैदान के तमाम गेट को लॉक कर दिया गया है। तो देखिए प्रदर्शनकारी यहाँ पर बेकाबू होते हुए और पुलिसकर्मी उन पर लाठियां भांजते हुए। तो देखिए यहाँ पर संशोधन किया गया है शिक्षक भर्ती में और के नियमों में बदलाव किए गए हैं बिहार में, और बदलाव ये कहता है कि अब राज्य से बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसी बात को लेकर राज्य के अभ्यर्थियों में, शिक्षकों में नाराजगी है, आक्रोश है, गुस्सा है। तो जो अल्टीमेटम दिया गया था अभ्यर्थियों की तरफ से, वो अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है और उसी के बाद आंदोलनरत हो गए हैं अभ्यर्थी। अमिताभ ओझा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ देखिए वही हुआ जिसका अंदेशा था। अब देखिए अभ्यर्थी जो है राज्य के, वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था सरकार को, वो अल्टीमेटम खत्म हुआ, वो तारीख खत्म हुई और आंदोलन। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो छात्र थे कल से ही आंदोलन की घोषणा कर चुके थे और उसके बाद यहाँ पे वो आज पहुंचे थे और यहाँ पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समीप पहले उन्होंने धरना दिया और उसके बाद यहाँ से राजभवन मार्च की ओर जाने लगे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोका है। अभी बिस्कोमान गोलंबर जो पटना का है, वहाँ पर जो इन अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की हल्की झड़प भी हुई है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो अभ्यर्थी है वो यहाँ से लौट जाए। हालांकि पूरा इलाका पुलिस पानी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, छात्र यहाँ से हटने को तैयार नहीं है।